होता है 18, और एच का कितना होता है, एच का होता है 8, जेड का कितना होता है 26। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, यानी कि 18 में से 10 घटाया है, तो यहाँ भी 26 में से 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 16। 16 किसका होता है, पी का। देखिए ऑप्शन में पी है, पी है ए, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दिया है 35, 46, 59, 76 और 95। कह रहा है यहाँ पे क्या संख्या होगी, तो इसका देखते हैं अभी दोनों के बीच में अंतर क्या है। 35, 11, 46, इसमें 13, 59, इसमें कितना आया है 17, 17, फिर 19। तो अब देखो यहाँ 11 दो 13 किया है, और यहाँ 13 चार 17 किया है, तो फिर क्या किया है, इसको रिपीट कर दिया है, यानी 17 दो 19 किया है, तो अब क्या आएगा, यहाँ चार चार और बढ़ेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 23। तो 23 होगा तो क्या होगा, 5 3 8, 9 2 11। देखो ऑप्शन में 118 है, 118 ए सही जवाब ये हो गया, 118। 53 नंबर का बहुत लंबा इसमें गद्यांश दिया है, पढ़ के आपको जवाब देना है, तो इसको छोड़ देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। यानी कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है 31-04 और 64-44-01, और यहाँ पे कह रहा है क्या होगा, जिस टाइप से इसको इसको क्रिया करके 64 या इस 64 को क्रिया करके 31-04 हुआ, वैसे ही पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो ये होगा या इसको क्रिया करके ये होगा। तो इसमें इस टाइप का रीजनिंग बनाने के लिए ना आपको कई तरह का दिमाग में सोचना पड़ेगा, कभी गुना करना पड़ेगा, कभी जोड़ करना पड़ेगा, कभी घटाव करना पड़ेगा, भाग, जो आपका दिमाग क्विक कह रहा है, जो जितना जल्दी हो सके उतना आपको करना है। तो एक बार हम देखते हैं इसको, भागोग तो लग 4 4 16 नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, तो देखते हैं, चलो ठीक है, इसके अंक को जोड़ देते हैं, 3 1 4 4 4 8, 8 का स्क्वायर किया है 64, उसी प्रकार से 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर करेगा क्या होगा 81, 81 है ऑप्शन में सी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। इसमें इस टाइप ये स्टेमर स्पीक स्क्रिबल किससे संबंधित है वही पूछ रहा है, तो इसमें आपका यदि इंग्लिश मीनिंग आपको बहुत याद रहता है, यानी आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे। तो इसका स्टेमर स्पीक, यानी स्टेमर मीन्स होता है हकलाना, तो हकलाना जब बोलना से संबंधित है, तो स्क्रिबल, स्क्रिबल मीन्स होता है घसीटना या लिखना, तो इसका हो जाएगा ड्रॉइंग, यानी राइटिंग से हो जाएगा, स्क्रिबल ड्रॉइंग से संबंधित है, तो उसी प्रकार से स्क्रिबल क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में से राइटिंग यानी लिखने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ए की बहन का विवाह बी के मामा से हुआ है, ए की माँ का बी के मामा से क्या संबंध है। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन जब भी आप बनाएं तो अपने ऊपर लेकर बनाएं, यानी सोचे कि इसके जगह पे आप हैं और आप अपने ऊपर लेकर सोचे, तो तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि ए की बहन का विवाह बी के मामा से हुआ है, ए की माँ का बी के मामा से क्या संबंध होगा, तो देखते हैं, ए की बहन की विवाह बी के मामा से हुआ है, यानी मान लो कि ए की विवाह आपके मामा से हुआ है, ए की बहन का विवाह आपके मामा से हुआ है, तो ए की माँ बी के मामा से क्या संबंधित हो, क्या होगी, सास हो जाएगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर इन लॉ। प्रश्न कह रहा है एक वृत्ताकार मेज है, सबसे पहले वृत्ताकार मेज बना लेंगे, अब उसमें कह रहा है 6 कर्मचारी 1 2 3 4 5 1 6, और प्रश्न कह रहा है पी डॉक्टर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो डॉक्टर पहली बार में आप किसी को कहीं रख सकते हैं, तो डॉक्टर को हम मान के चलो यहाँ रखा डॉक्टर, ये कौन है डॉक्टर, इसके दाईं ओर से चौथे, तो आपका दाईं ओर आप अपने ऊपर लेकर सोचे, दाईं ओर से चौथे 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया पी। कह रहा है पी इंजीनियर अथवा क्रिकेटर के बगल में नहीं बैठा है, यानी यहाँ पे इंजीनियर या क्रिकेटर नहीं हो सकता इन दोनों स्थान पर, तो कौन होगा, चलो देखते हैं, एस जो कि प्रोफेसर है इंजीनियर के आगे बैठा हुआ है, एस क्या है प्रोफेसर है और इंजीनियर के आगे बैठा हुआ है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, मान चलो एस को यहाँ दे देते हैं, और क्या है वो प्रोफेसर है,
इंजीनियर के आगे बैठा है, तो यहाँ कौन हो जाएगा? इंजीनियर। अब कह रहा है आर ना तो डॉक्टर है और ना ही डॉक्टर के बगल में बैठा है। आर ना तो डॉक्टर है और ना ही डॉक्टर के बगल में बैठा है, यानी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। ठीक। अब कह रहा है टी क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, टी क्यू के दाईं ओर से, तो अगर क्यू को हम यहाँ रखते हैं तो दाईं ओर से दूसरे स्थान ये हो जाता है, और बैठा है जो अध्यापक नहीं है, यानी जो मतलब कौन? टी, टी कौन है? अध्यापक नहीं है, तो क्यू अध्यापक हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपका प्रोफेसर इंजीनियर अध्यापक डॉक्टर हो गया, अब पी क्या रहा? पी डॉक्टर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा, पी इंजीनियर अथवा क्रिकेटर नहीं है। जब पी इंजीनियर और क्रिकेटर नहीं है तो ये हो जाएगा क्रिकेटर। अब एक बार ज्यादा कुछ बैठाने से अच्छा एक बार सवाल देख ले। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो इनमें से क्रिकेटर कौन है, और ऑप्शन दिया है यू पी आर टी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिकेटर कौन है? टी, तो टी सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला है 15, ये तो वैसे ही बन जाएगा, आप देख लो 15 दूना 30, फिर 3 जोड़ दिया 33, फिर 33 दूना 66, फिर 3 जोड़ दिया 69, फिर 69 दूना 138। इसका सही जवाब हो जाएगा 138। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में एलोंग को बी एन पी पी एच के रूप में कोड किया जाता है, उसी प्रकार बर्थ को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो एलोंग और बी एन पी पी के बीच में जो संबंध है, उसी प्रकार बर्थ के बर्थ और एक अगले संख्या के बीच में संबंध कह रहा है स्थापित करने के लिए। सबसे पहले लिख लेते हैं एलोंग, ALONG। अब उसके बाद है BNPPH। बी आप इसमें देख रहे हैं +1 किया है, इसमें LMN इसमें 2 + 2, इसमें OP + 1, इसमें फिर 2 किया है प्लस NOP, इसमें +1 किया GH। इसी प्रकार से जब बर्थ है तो बर्थ का होता है B, तो B में +1 जोड़ेंगे C, फिर I, I में +2 करेंगे तो JK, उसके बाद है R, R में 1 जोड़ेंगे तो S, फिर T, T में 2 जोड़ेंगे तो UV, और H, H में 1 जोड़ेंगे तो I। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CKSVI, जो कि D में है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा CKSVI। अगला प्रश्न है इस प्रश्न में अक्षरों के बीच संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से संबंधित 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह तय कीजिए कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है। तो कथन है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ग्रेटर देन वाई, और दूसरा कथन है वाई इक्वल टू बी लेस देन ओ, तीसरा कथन है ओ लेस देन डी इक्वल टू एस। अब निष्कर्ष कह रहा है, एक कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, दो कह रहा है एन लेस देन 0, और 3 कह रहा है वाई लेस देन डी। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। एक कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, यानी बी से ए बड़ा है, तो यहाँ वाई के बराबर है B, तो ये क्या हो जाएगा? B यहाँ आ जाएगा, यानी ये क्या है? बड़ा है, तो ठीक है। दूसरा कह रहा है n लेस देन 0 O, यानी कि O से छोटा है कौन? n। तो देखते हैं O बड़ा है B से, और लेकिन यहाँ y के बराबर है, अगर B से बड़ा है ओ तो यहाँ वाई से भी बड़ा होगा, जब वाई से बड़ा होगा तो जरूरी नहीं है कि एन से बड़ा होगा, तो इसका क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। अब अगला है वाई लेस देन डी, यानी वाई डी से छोटा है, तो देखते हैं डी क्या है। डी है ओ से बड़ा है, यानी यहाँ आ गया, यानी बी से भी बड़ा हुआ,
और ये यहाँ आ गया। तो ये कह रहा है वाई से बड़ा है, तो बी से जब बड़ा है और वाई और बी बराबर है, तो ये तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 किस में है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कथन और उससे संबंधित दो निष्कर्ष 1 और 2 के रूप में दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत है। कथन है, आज रोगी को 2 PM से 3 PM के बीच प्रत्येक 20 मिनट पर दवा से भरा इंजेक्शन लगना है, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में इसको प्रत्येक 20 मिनट में दवा से भरा इंजेक्शन लगना है, यानी 3 बार लगना है। रोगी को निष्कर्ष है, रोगी को आज 4 बार इंजेक्शन लगना है, तो गलत होगा क्योंकि 3 ही बार लगेगा। 20 मिनट में 1 बार देगा तो 1 घंटा में तो 3 ही बार लगेगा ना। रोगी को प्रतिदिन 4 बार इंजेक्शन लगना है, ये भी गलत होगा। यानी कथन 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 ना ही ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। नहीं, डी डी किस में है? ए में। इसका सही जवाब होगा ए। फिगर है, दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब ये फिगर है, आप ये देख रहे हैं, एक किसी एक डिजिट को लीजिए, डिजिट नहीं है सिंबल है ये, कोई एक सिंबल लीजिए और देखिए कि कैसे वो घूम रहा है। ये सिंबल हम अगर H को लेते हैं, ये सिंबल यहाँ था बीच में, यहाँ आ गया कोना पर, फिर यहाँ आया बीच में, फिर यहाँ आ गया कोना पर, फिर यहाँ आया बीच में। तो अब क्या होगा? जब ये आधा आधा बढ़ रहा है तो ये भी आधा बढ़ेगा, यानी इस कोना पर आएगा। अब देखिए नीचे ऑप्शन में, तो इस कोना पे कौन है? ऑप्शन डी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है 16, 41, 91, 191, 391। तो क्या क्या है? देखने से ही पता चल रहा है कि ये दुना करके और 9 जोड़ दिया है। 16 दुना 41 प्लस 9, 91 दुना 182 प्लस 9, ऐसे ही। तो लास्ट में क्या किया है? 300 क्या होगा लास्ट में? 391 दुना प्लस 9, तो 39 दुना 78, 781 प्लस 9 कितना हो गया? 791। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? ए एफ के। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक नंबर वाइज याद करना है किसका क्या पोजीशन है। जैसे ए का पोजीशन 1 है, ए एफ के सीधा हम लिखते हैं, इसको ए एफ के नहीं लिखेंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 एफ का 6, K का 11, इसका N 14, S 19 और एक्स कितना होता है? एक्स का होता है 24। अगला है 20, W का 23, Z का 26, P 16, U 21, फिर Z 26। अगला है KPU है तो J के 11, 16, 21। अब इन सबों में देखिए किसमें एक संबंध नहीं बैठ रहा है, इसमें 5 जोड़ा है, 5 1 6, फिर 6 5 11, इसमें 14 5 19, 5 24, 20 3 23, 30 3 26, 16 5 21, 21 5 26, यानी कि सब में क्या किया ना, 5 जोड़ा है, लेकिन सिर्फ इसी में 3 जोड़ा है, यानी ये हमारा नहीं होगा। ये क्या है? 20 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? TWC। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो बेमेल है। तो आपको ए से जेड तक हमेशा याद रखना है, और ए से जेड तक याद रखने के लिए आप एक फार्मूला याद रखिए, फार्मूला नहीं वैसे ही, ई ज्योति। अब ई का क्या होता है? 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। इससे क्या होगा ना, आप जैसे के आया तो आपको जे याद है कि जे 10 है तो के 11 ही होगा, ऐसे ही करके याद हो जाएगा आपको, ये हमेशा याद रखिएगा, एक दो बार 4 बार 5 बार में याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए मेरी माँ ने, हमने आपको बताया है कि रिलेशनशिप का जब भी क्वेश्चन बनाए तो अपने ऊपर लेकर सोचे। क्वेश्चन क्या भी कह रहा है कि मेरी माँ ने अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू से कहा कि यह मेरे
मेरे इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई है। मेरी माँ की डॉटर इन लॉ का उस लड़के से क्या संबंध है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यह मेरे इकलौते पुत्र यानी एक ही बेटा है यानी मैं की पुत्री का भाई है, यानी कि बेटे को दो बच्चा, एक बेटा और एक बेटी। मेरी माँ की डॉटर इन लॉ का उस लड़के से क्या संबंध है? मेरी माँ की बहू का पूछ रहा है संबंध, ना कि माँ का। तो हमेशा याद रखिएगा, तो क्या संबंध हो जाएगा? माँ का संबंध होगा। इसमें ग्रैंड मदर है वो नहीं मारना है, क्योंकि इसकी माँ के बहू का संबंध पूछ रहा है उस लड़के से, ना कि माँ का। अगला क्वेश्चन है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थापना विकल्पों में से चुनिए। कार में व्हील होता है तो बर्ड को क्या होगा? विंग्स होगा। सीधी सी बात है, कार में चक्का होता है तो बर्ड को पंखा होगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दो कथन और उनसे संबंधित दो निष्कर्ष एक और दो के रूप में दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए निश्चित करना है कि कौन सा कथन किसी भी संदेह से तार्किक रूप से तर्कसंगत है। कथन है, सभी चींटियां मधुमक्खी हैं। चींटी, सभी चींटी क्या है? मधुमक्खी है, मधुमक्खी है। और सभी मधुमक्खियां क्या है? कीड़े हैं। सभी मधुमक्खियां क्या है? कीड़े हैं। अब सभी चींटियां कीड़े हैं, तो स्वाभाविक बात है, जब ये चींटी है मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी कीड़े हैं, तो सभी चींटियां क्या होगी? कीड़े ही होंगी। तो इसका ये एक निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ कीड़े मधुमक्खी है, कुछ कीड़े मधुमक्खी है, ये भी ठीक है। नहीं, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ई, एक और दो दोनों निष्कर्ष तर्कसंगत है। ऑप्शन ई किसमें है? डी में। इस टाइप का परीक्षा में दे दिया जाता है, लड़का क्या करेगा? ऑप्शन ई देखेगा और मार देगा। लेकिन कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में भी घुमा दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है फिगर, उस फिगर में पूछ रहा है कितने समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज इसको गिनेंगे आप। समकोण त्रिभुज हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 समकोण त्रिभुज है इसमें। अगला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया इससे पहले जो हम लोग बनाए थे, डॉक्टर, क्रिकेटर, प्रोफेसर, ड्राइवर, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार, सॉरी 72 नंबर का भी वही है, 73 का है, दी गई आकृति में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब कभी आपसे जल प्रतिबिंब पूछे, जैसे ही जल प्रतिबिंब पूछे तो फिगर को क्या करना है? उल्टा कर देना, यानी ये क्या होगा? ऐसे होगा। अगर आपसे यही मिरर प्रति, अब ऐसे एक हमने जेड लिया, तो जेड का उल्ट ऐसे ऐसे इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछता कि बी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो बी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? ऐसे ही होगा। सीधी सी बात, यानी जल प्रतिबिंब सीधा फिगर को क्या करना? ऐसे से ऐसे घुमा देना, आप दिमाग में एनीटाइम रखेंगे। यही अगर आपको मिरर प्रतिबिंब पूछता, तो मिरर में क्या होता है? यहाँ से जो है, जो लेटर पहले आता है वो बात, जो लेटर बाद में आता है उसको पहले लिख, जैसे ए बी है, इसको क्या होगा? बी क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा, मिरर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद क्या है? ए है, ऐसे हो जाएगा। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा आप। तो इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है क्या होगा? रोज, रोज आर ओ एस आई ई का, तो इसका जल प्रतिबिंब तो उल्टा करना है सीधे, तो इसका क्या हो जाएगा? आर ओ का तो ओ ही रहेगा, एस का क्या हो जाएगा? ऐसे आई का आई ही रहेगा, और ई का क्या होगा? ई का भी ऐसे ही रहेगा। तो देखते हैं कौन सा है, आर ओ एस आई ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, उनमें से संख्या है एम ओ एस डब्ल्यू सी। तो इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट का लग रहा है, सभी कॉन्सोनेंट है और एक वोवेल घुस गया ओ, तो ओ हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 का। 76 में एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रश्न के चिन्ह पर क्या होगा, मतलब
फिगर अधूरा है उसको पूरा करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फिगर को ध्यान से देखेंगे, जो सीरीज ऊपर में होता है ना वही नीचे में भी करना होता है या बगल में भी करना होता है, तो नीचे में क्या होगा। तो हमको लग रहा है ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए लाइन बना हुआ है, ऑप्शन ए में वो नहीं होगा, ऑप्शन सी थोड़ा डार्क है वो नहीं होगा, ऑप्शन डी में कोना से एक एरो छोड़ दिया वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला प्रश्न है PITCH और KRGXS, तो रेडियो क्या होगा, यानी संबंध या एक निश्चित फुट भाषा में पिच को KRGXS के रूप में कोड किया जाता है, तो रेडियो को उसी फुट भाषा में क्या किया जाएगा। तो देखते हैं पिच को क्या क्या है ना, पिच का अंकीय मान कितना होता है 16, और K का कितना होता है 11, और आई का क्या होता है आई जे यानी 9, आर का क्या होता है 18, टी का 20 और जी का 7। तो ये देखिए एक चीज देखिए सभी में क्या है डिफरेंस, इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 27, 16 11 27, 18 9 27, 20 7 27, ऐसे ही सबको भी किया है। तो ऐसा कीजिए आप 27 में से इसको घटाइए वही हो जाएगा, आर का मान 18, 27 में से 18 गया कितना बचा 9, 9 का क्या होता है बताइए, 9 का होता है आई, उसके बाद है ए, ए का होता है 1, 27 में से गया 26 यानी कि जेड, फिर डी, डी का होता है 4, 27 में से गया 23 यानी डब्लू, आई का होता है आई जे 9, 9 27 में से गया 18 यानी आर, ओ का होता है 15, 15 में से 27 में से 15 गया 12, 12 होता है L। देखिए आई जेड डब्ल्यू आर एल है, आई जेड डब्ल्यू आर एल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर में इस टाइप के प्रश्न में आप सीधी रेखा को ही गिने, जैसे ही रेखा मुड़े वहाँ से दूसरी गिनती शुरू करें। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला सीधी रेखा एक, उसको एक माने। एक और यहाँ पे कॉमन चीज है, जो त्रिभुज का जो सीधी रेखा है उसको भी एक माने, ऐसा नहीं कि दो त्रिभुज में गिन ले उसको बस उसका साथ हो जाएगा, उससे में गिनते हैं ऊपर से लाइन गया यहाँ तक 1 2 3 4, और एक त्रिभुज का बेस वाला सीधे 5, और एक ये 6, टोटल कितना 6, 6 तो ऑप्शन में है नहीं तो ये स्टार क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि क्या होगी। संख्या है जी यू आई एन ई ए, इसका दर्पण छवि पूछ रहा है आपसे। दर्पण छवि में क्या होता है ना उल्टा हो जाता है, तो इधर से देखिए पहले क्या होगा ए, फिर हो जाएगा ई, ये है एन, तो एन क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे आई यू और जी ऐसे। देखते हैं इस टाइप का फिगर कहाँ है, इस टाइप का फिगर है ए ई एन आई यू ए जी, ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो यानी वर्ग बनाता है। तो फिगर है आपका त्रिभुज दिया हुआ है या अधूरा अधूरा फिगर, आप दिमाग लगाइए कि एक वर्ग बनाना है आपको, वर्ग कैसा होता है, इस टाइप का वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो आपको करना क्या है, इसको जैसे हमने ये एक एल बनाया है, ये एल से लेते हैं ऐसे, फिगर नंबर 3 लिए पहले, उसके बाद अगर त्रिभुज को यहाँ दे दें, अगर इस फिगर के सामने दे दें त्रिभुज को, तो ये ऐसे बन जाएगा, हो तो गया। अब इसको 2 को इसमें घुसा देंगे, यानी हमारा फिगर क्या बन रहा है 1 2 और 3, 1 और 2 3 से क्या बन रहा है हमारा वर्ग बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, डी में है 1 और 1 2 3, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा डी। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो वर्ग गिनिए आप चित्र देख करके,
अब पहले तो आप छोटा वाला वर्ग गिन लीजिए, तो 3 या 9 वर्ग तो ये हो गया, बीच में 2 11 हो गया, एक बड़ा वाला वर्ग पूरे का तो 12 हो गया। अब देखिए आप 4 फिगर से एक वर्ग बनता है, मतलब इस ये अंदर में तो 4 फिगर ये एक वर्ग बनता है एक कोना पे, तो 4 कोना पे कितना बनेगा, 4 12 4 16, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दिए गए विभिन्न अक्षरों के बीच संबंध कथन में दिया गया, कथन से संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है बी ग्रेटर देन ई, ए लेस देन ई, इक्वल टू टी ग्रेटर टी लेस लेस देन आई, और आई लेस देन या इक्वल टू एन। निष्कर्ष कह रहा है बी ग्रेटर देन टी, यानी बी टी से बड़ा है, ठीक है बी तो टी से बड़ा है ही, और बी आई से भी बड़ा है, बी आई से भी बड़ा है, तो बी आई से बड़ा होता तब, लेकिन क्लियर नहीं किया है कि टी टी से तो बड़ा है लेकिन आई से बड़ा है कि नहीं, ये क्लियर नहीं किया हुआ है। तो इसका देखिए केवल निष्कर्ष एक तरह संगत है, यानी ए ए किस में है, बी में, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 86 का क्वेश्चन है, 45√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघला कर घना बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 22.5 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है, और तो घन का क्या कर, घन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक। तो ये हो गया भुजा क्यू, और घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा, विकर्ण दिया हुआ है आपको, विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, विकर्ण कितना दिया हुआ है 45√3, तो √3 कट गया, यानी भुजा बराबर क्या आ गया 45, तो 45 का क्यू इक्वल टू, देखिए घनाभ घनाभ का क्या कह रहा है, घनाभ का यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, यानी लंबाई क्या है 45, और घनाभ की चौड़ाई 22.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी एच मांग रहा है, तो ये एक 45 × 45 × 45 = 45 × 22.5 × h, ये 45, ये 45 खत्म, इसका दशमलव उड़ा देंगे 10, ये 45 5 से ये खत्म, 5 × 5 ये 2 से खत्म, तो h बराबर क्या हुआ 45 × 2 = 90, h बराबर 90 हुआ, 90 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लौसो यानी लघुत्तम समवर्तक 51 और महत्तम समवर्तक 17 है, उनमें से एक संख्या यदि 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का मान लो कि दूसरी संख्या मान लो दूसरी संख्या हमारा एक्स है, तो 17 × x इक्वल टू 51 × 17, ये 17 17 खत्म, तो x बराबर क्या हुआ 51, तो इसका सही जवाब क्या होगा 51 51 क्या ऑप्शन सी में, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक मेज पर वर्गाकार कांच रखा हुआ है, मान लेते हैं कि कांच ये है, ये कांच है वर्गाकार है, और ये मेज है, ये मेज है, इसी मतलब इसी के पैरेलल में है,
ये मेज है। अब कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 61 सेंटीमीटर है तो और बीच की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, बीच की चौड़ाई ये 11 है, ये भी 11 है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। यदि भुजा निकाल लेंगे और 11 11 दो बार जोड़ देंगे तो उसकी मेज की लंबाई निकल जाएगी यहाँ से, ये पूरा मांग रहा है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 961 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 961 का वर्गमूल क्या होता है, 961 का वर्गमूल होता है ये 3 3 9 0 3 3 6 1 31 होता है। तो जब ये 31 हुआ, ये आपका 31 है और इधर 11, ये इधर 11, तो कितना हो गया इसका टूल के मेज का लंबाई 11 × 22 = 31 53 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 940 माइनस एक्स रूट अंडर 926 रूट अंडर 676 कोस्ट बंद का होल रूट। अब इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये रूट कट गया, तब क्या बचा, 940 माइनस एक्स इक्वल टू 926 माइनस ये 676 है, तो 940 माइनस एक्स इक्वल टू 926 माइनस 676 का वर्गमूल क्या होता है, ये हो गया 2 × 4 बचा 2 × 7 = 36 हाँ 26 होगा। तो अब देखो ये 26 इसमें से घटा देंगे कितना बचा 900, ये 900 उधर चला जाएगा और ये x इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हुआ 940 माइनस 900, तो x बराबर क्या हुआ 40, 40 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 40, तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए।